पत्ती बन जाते हैं। जैसे ये दिखाई गई, ये पीतल और लोहा है, ये लोहा पीतल लोहा पहले से क्या है इसमें, ये लो पीतल और लोहा है। जैसे इसको गर्म करेंगे पहले ठंडी अवस्था में है, जैसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे से लग जाएंगे और इस तरीके से पत्ती का निर्माण होगा। तो ये कंडीशन है प्रसार के लिए। अब बात करते हैं कि किस प्रकार मिश्रण के अवयवों को द्रवणांक तथा क्वथनांक के आधार पर आप पृथक करोगे। तो क्वथनांक क्या होता है, हर एक पदार्थ जो होता है उसका एक निश्चित क्वथनांक होता है, ठीक है ना। और जैसे बेंजीन का मान लें क्वथनांक, इसमें एग्जांपल दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोबेंजीन का 211 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन दोनों का मिश्रण लेते हैं तो मिश्रण में अगर हम कहें इनको अलग अलग कर लें, आसानी से कर सकते हैं, एक को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो, वो पदार्थ बाहर निकल आएगा, 211 वाला दूसरी जगह प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उसी में रह जाएगा। अब बात करते हैं इंसुलेशन क्या होता है। तो इंसुलेशन क्या होता है, कुचालक के लिए इंसुलेशन का मतलब होता है, जैसे आप कुकर होता है या तवा होता है तो आप देखते हैं उसके हत्थे पर क्या लगा देते हैं, लकड़ी का हैंडल या ऐसा पदार्थ का हैंडल लगाते हैं जिससे ऊष्मा के कारण वह गर्म ना हो। तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं कुचालक का प्रयोग किसके लिए करें, इंसुलेशन हेतु करते हैं, ठीक है ना। हैंडल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपने इस पाठ के बारे में जाना, अब इसके बाद में इसके अभ्यास के बारे में जानना है और इस चैप्टर को आपको कॉपी पर लिखना है। पूरा चैप्टर देख लीजिए, वीडियो को पुश करेंगे और पुश करने के बाद इस चैप्टर को वन बाय वन करके क्वेश्चन आपकी कॉपी में अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है बेटा। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी जल है और जल को वाष्प में बदलना है, यानी जल वाष्प जो है यानी कि भाप जो है उसको द्रव में बदलना है। तो भाप किस अवस्था में है, अगर जल वाष्प कहें तो जल वाष्प किस अवस्था में, गैस के रूप में, और गैस को द्रव में बदलना है तो गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, जरा यहाँ देख लीजिए। गलनांक क्या होता है, इस ऑप्शन को देखिए, गलनांक का तात्पर्य होता है वह तापमान जिस पर कोई वस्तु गलना प्रारंभ होता है वो गलनांक कहलाता है। हिमांक क्या होता है, जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में बदलती है तो उसको हिमांक कहते हैं, और कोई द्रव जब इसमें बदल जाए गैस में बदल जाए तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। अगला है संघनन, संघनन क्रिया क्या है, संघनन क्रिया का मतलब होता है जब कोई गैस द्रव में बदलती है तो वह कंडीशन कहलाती है संघनन, अर्थात जो फोर्थ ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बात करते हैं बर्फ का तापमान, तो हमने कहा था बर्फ का तापमान कितना होता है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और गर्म होने के जल के गर्म होने का तापमान कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि क्या है, तो ऊष्मा स्थानांतरण के विकिरण विधि के लिए हमने कहा था कि विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बल्ब, तो बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैलती है, इसके लिए क्या आप कोई माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, स्वतः विकिरण के द्वारा ऊष्मा जो है प्रकाश के रूप में प्रसारित होती है, अर्थात इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका राइट आंसर है माध्यम आवश्यक नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है, द्रव में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, जरा जानिए, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, इसमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया चालन किसके द्वारा होता है, चालन और विकिरण, विकिरण क्लियर हो गया होगा, चालन क्या होता है, चालन का मतलब होता है किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा का प्रसार हो तो चालन होगा, और संवहन का मतलब होता है फैलाव। तो इसका सही आंसर होगा कि द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है। अब आते हैं जो है सही और गलत कथन के बारे में, सही और गलत कथन में देखते हैं
कि इसमें आपको सही पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन इसका बनता है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका तापमान घटता है। आप पढ़े होंगे वस्तु को गर्म करने पर सदैव लोहे को गर्म करेंगे तापमान बढ़ेगा, कभी घटता नहीं है, अर्थात ये विकल्प गलत है। अगला है, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। बिल्कुल, ऊष्मा चालन द्वारा होता है। यदि ठोस वस्तु को एक सिरे से गर्म करेंगे, यदि लोहे के राड को एक सिरे पर गर्म कर रहे हैं, तो चालन के कारण ऊष्मा क्या होती है, एक सिरे से दूसरी ओर, दूसरी सिरे की ओर संचलित होती रहती है, उसका संचारण होता रहता है। ठीक है ना, इसका सही ऑप्शन है ये। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बिल्कुल, द्रव्यमान जितना होता है उसमें ऊष्मा उतनी ही होती है, उतना ही कम समय या अधिक समय का निर्धारण करते हैं इसके कारण, द्रव्यमान के कारण। कम गर्म करेंगे कम समय लगेगा, कम ताप लगेगा, अधिक गर्म करेंगे अधिक ताप अधिक समय लगेगा, तो ये भी सही है। गर्म करने पर जल के आयतन में वृद्धि नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। आपको बताया था कि एक टेस्ट ट्यूब में गर्म जल, रंगीन जल को गर्म करेंगे तो वह जो है एक पतली कांच की ट्यूब से बाहर निकल रहा था, अर्थात उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो किसी भी गर्म करने पर जल को या द्रव को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसके आयतन में वृद्धि होती है। अगला है, गर्म करने पर जल ठोस में बदल जाता है। बिल्कुल गलत है, ठंडा करने पर जल ठोस बर्फ में बदलता है, ना कि गर्म करने पर। गर्म करने पर किस में बदलता है, गर्म करने पर वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। अब बात करते हैं, कुछ विकल्प दिए गए हैं और उनके कुछ आंसर दिए गए हैं, जैसे सुचालन, सुचालक, वाष्प, कैलोरी, 100 डिग्री क्वथनांक, गलनांक इत्यादि दिया हुआ है, तो इसमें भरना है, आपको विकल्प चुनना है। तो ऊष्मा का मात्रक आपको पीछे पढ़ाया था, उसमें बताया था कैलोरी द्वारा ऊष्मा को मापते हैं, तो इसका विकल्प सही है कैलोरी। जल उबलने कब लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है, ये सब पढ़ाए हुए हैं, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है, तो अर्थात वो गल रहा है, यानी ठोस गल रहा है तभी तो किसमें बदल रहा है, द्रव में, तो इसको कहते हैं गलना। अगला होता है, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को वाष्पन कहा जाता है। और लोहे की छड़ ऊष्मा की क्या होती है, अभी आपने पढ़ा है ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन बनता है जो मैचिंग का है, तो मैचिंग में कालम का दिया है और कालम खा दिया है, कालम का कालम खा से मैच करना है। तो आप लोग देखिए, कालम का पहला क्वेश्चन है, सभी वस्तु धातु में ऊष्मा की क्या होती हैं, तो अभी पीछे बता रहे हैं धातु में ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सभी धातु में ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती हैं। थर्मामीटर की घुंडी को गर्म करने पर क्या होता है, थर्मामीटर की घुंडी होती है, यदि हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें जो पारा होता है, अभी हमने शुरू में बताया था, उसमें वृद्धि होगी, थर्मामीटर के पारे में क्या होगी, वृद्धि, और एक निश्चित तापमान पर वह रुक जाता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा या किसी वस्तु का टेम्परेचर होगा। वस्तु को गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप किससे करते हैं, भैया तापमापी थर्मामीटर की सहायता से करते हैं। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन है, यदि आधा लीटर जल तथा आधा लीटर सरसों का तेल समान मात्रा में समान ऊष्मा दी जाए तो इनमें से किसका ताप में वृद्धि होगी, अधिक होगी। तो समझ लीजिए, जल जो है वो कम गाढ़ा होता है अपेक्षाकृत सरसों के तेल का, तो यदि जल के अणु दूर दूर है यानी कम गाढ़ा है और वो अधिक गाढ़ा है, तो अगर समान ऊष्मा देते हैं तो समान ऊष्मा में पहले जल गर्म होगा, क्योंकि उसके उसमें जल में जो है ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता तेल से क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात पहले कौन गर्म होगा, पहले जल गर्म होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, यदि आधा लीटर ये समान क्वेश्चन लिख लेंगे तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन लिखने के बाद में क्या होगा बेटा, जल के तापमान में अधिक वृद्धि होगी, यही इसका आंसर है। अगला बताते हैं, धातु की केतली के हत्थे पर
वेद का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? अभी पढ़ाते वक्त बताया था, कोई धातु है और उसकी केतली पर अगर हम वेद का आवरण चढ़ा देते हैं तो जो लकड़ी होती है ऊष्मा की क्या होती है बेटा, कुचालक होती है। तो ऊष्मा के कुचालक के कारण जैसे ही केतली पर हत्था चढ़ाएंगे तो हत्था चढ़ाने पर केतली जो गर्म होती है उसका प्रभाव हाथ पर नहीं होता है हत्थे के कारण। अगला क्वेश्चन है, रेल की दो पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ दिया जाता है क्यों? क्योंकि ऊष्मा के कारण रेल की गाड़ी जो पटरियां होती हैं उन पटरियों में क्या होता है, प्रसार होता है, अर्थात ठोस में प्रसार होता है। और प्रसार के कारण यदि इन दोनों के बीच में दो पटरियों को जोड़ते समय इनमें गैप नहीं होता है तो पटरियों के प्रसार के कारण ये पटरियां रेल की टेढ़ी हो जाएंगी अर्थात खराब हो जाएंगी। इससे बचाने के लिए जो है जब पटरियों को जोड़ते हैं आपस में तो जोड़ के स्थान पर थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रसार के समय जो गैप होता है वो स्पेस को जो प्रसार होता है उसको एडजस्ट करता है और जिससे पटरियां टेढ़ी नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ऊष्मा संचरण की चालन विधि को एक क्रियाकलाप के द्वारा दर्शाइए। तो इसके लिए चालन आप लोग पढ़ रहे थे, चालन क्या होता है, संवहन हो गया, ये है चालन। तो चालन का इतना पार्ट, चालन क्या है इसका एक्सपेरिमेंट ये है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से किसी एक एक्सपेरिमेंट को आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसके बाद में इसको ऐसे ही लिख डालेंगे कि पहले तो चालन क्या होती है चालन के बारे में जो बताएंगे, फिर उसके बाद में चालन की परिभाषा क्या होती है ये दिया हुआ है। चालन का मतलब होता है जब कोई धातु एक सिरे से दूसरे सिरे में जो है गर्म होती है अर्थात एक सिरे से ऊष्मा का चालन दूसरे सिरे में होता है तो इसको कहते हैं ऊष्मा का चालन। तो ये चम्मच का एक दिया हुआ चाहे इसको लिख लीजिए और चाहे इस क्रियाकलाप को यहाँ से लिख लीजिए और चित्र को बना डालिए, ठीक है ना। तो ये चालन का एग्जाम्पल हो गया। फिर इसके बाद अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताया सुचालक किसे कहते हैं कुचालक किसे कहते हैं। सुचालक का तात्पर्य क्या होते हैं, जिन पदार्थों के द्वारा ऊष्मा एक सिरे से दूसरे स्थान या दूसरे सिरे की ओर जाते हैं वे सभी ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और जितनी धातुएं होती हैं वो ऊष्मा के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं।